अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू wajeeha'sinsight। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बना रहे हैं चिकन लोडेड फ्राइज। चिकन लोडेड फ्राइज की रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले 2 टेबल स्पून बटर लिया है मैंने और 2 ही टेबल स्पून मैदा लिया है, और इसको 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे जब तक इसके अंदर से धीमी धीमी सी खूबसूरत सी महक आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही महक आनी स्टार्ट होगी इसके अंदर 2 कप के करीब हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क ऐड कर देंगे, जो दूध होता है। और उसको अब मुझे इसको इतना बीट करना है कि इसके अंदर एक भी लम्स, जो आपको ये गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, ये एक भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। और अच्छी तरह से इसको बीट करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर 1-1 टीस्पून तीनों चीज़ें, लाल मिर्चें, काली मिर्च और नमक, तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको बीट कर लेंगे। और दूसरे चूल्हे पे मैंने क्या कर दिया था कि मैंने फ्राइज़ फ्राई करने रख दिए थे नमक के पानी में, पहले उनको भिगोया हुआ था, देन उसको मैंने तेज़ आंच पे फ्राई कर रही थी। इधर हमारा ये वाइट सॉस रेडी हो रहा था। अच्छा, वाइट सॉस में 1/2 टीस्पून लहसुन पाउडर भी डलेगा। लहसुन पाउडर से बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आती है, ये डाल के भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं ये पतला है, 5 से 6 मिनट पकने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना इससे ज़्यादा गाढ़ा हो और ना इससे ज़्यादा पतला हो। फ्राइज रेडी हो गए थे, मेरा एक जो घान था और दूसरा रेडी हो रहा था, और यहाँ पे वाइट सॉस रेडी हो चुका है। अच्छा, चिकन जो इसके लिए लेनी है वो मैंने ली है, चिकन टिक्का था मेरे पास, वो चिकन ली है। आप लोग टिक्का मसाला डाल के सिंपली बना सकते हैं, तंदूरी मसाला डाल के ऐड कर दें, नहीं तो नमक, मिर्च, काली मिर्चें और हल्दी और गरम मसाला डाल के चिकन बना लें तो चिकन रेडी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद ली है फ्राइज़, अब हम इसको कर रहे हैं असेंबल। और यकीन जानिए ये इतनी हेवन डिश है, बच्चे तो बच्चे, यकीन जाने बहुत मज़े की बनती है। कल मैंने बनाई है और ये 5 मिनट भी नहीं लगे थे इसको ख़त्म होने में। बहुत पसंद आई सबको, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों की तो फेवरेट है ही ये, और इंशाल्लाह घर के बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले ये लेयर पूरे फ्राइज़ जो थे, ये एक बड़ी डिश थी मेरी, बेकिंग डिश। अच्छा, डिश जो आपको लेनी है वो बेकिंग डिश लेनी है, ठीक है। और फ्राइज़ को इसमें पूरी लेयरिंग कर दी है, देन इसके अंदर 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। अच्छा, ये हमारे टाइप के लोडेड फ्राइज़ हैं, हमारी फूड है तो हम इसको जिस तरह जाए सैम्पल कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हों। बस उसके बाद मैंने चिकन की लेयरिंग की है, अच्छे से चिकन डाल देंगे। अब ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितनी चिकन डालना चाहते हैं, कितनी चीज़ डालना चाहते हैं, क्या चीज़ किस हिसाब से ऐड करना चाहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही झटपट स्नैक है, शाम की जो टी टाइम स्नैक के लिए बेस्ट आइडिया है, वो चाहे दावत हो घर में या बच्चों को बना के देना हो, लेकिन घर में बनाइए, बिकॉज होम मेड इट्स सब बेस्ट। घर की बनी हुई चीज़ की बात ही अलग होती है। बस यहाँ पे सॉस अच्छे से, जो सॉस था वो पूरा, देखिए सॉस ना थिक ही होना चाहिए, अगर वो सॉस पतला होगा तो आपको पता है फिर जो हमारे आलू होंगे वो सॉगी हो जाएंगे। ये ऊपर मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़, अब आप, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको चीज़ कितनी पसंद है उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों ली है मैंने, कद्दूकस की भी। अच्छी तरह से चीज़ और सॉस इसके ऊपर पूरा इसको कवर कर देना है, देन इसके बाद इसके ऊपर हम शिमला मिर्च और हर प्याज मैं ऐड करूँगी, शिमला मिर्च और प्याज भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर ऑलिव ऐड कर सकते हैं, ऑरिगेनोज ऐड कर सकते हैं, जो दिल जाए आप कर सकते हैं इसके अंदर ऐड, वो आपके अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर ना ये लेयरिंग करने के बाद इसके अंदर केचप ऐड किया है मैंने, और केचप ऐड करने के बाद एक सॉस होता है बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू सॉस भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था, लेकिन क्योंकि वो मेरा बिल्कुल ख़त्म एंड हो गया था तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाल के, ये जो डार्क कलर का नज़र आ रहा है ये बारबेक्यू सॉस ही है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे। ये डिश हमारी रेडी है ओवन में जाने के लिए, ओवन को 200 सेंटीग्रेड पर मैंने 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और दोनों ग्रिल्स ऑन हैं
और हार्डली 10 नट्स इसको देंगे, लेकिन 10 नट्स से पहले भी आप चेक करना है क्योंकि इसको सिर्फ हमने देना है कलर, तो चीज़ पे कलर आ जाए और चीज़ मेल्ट हो जाए, सिंपल बस इतना हमें इसके वो बेक करना है। हियर इज़ अ फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार चिकन लोडेड चीज़ फ्राइज रेडी हैं। कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।